स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज में अब तक की कहानी में आपने लीप के बाद कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं। साथ ही साथ शो के मेकर्स हर एस्पेक्ट से शो में अलग अलग तड़का लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ रणवीर कामिनी प्रियंका वाला ड्रामा ऑन गोइंग है, तो वहीं बार बार शिवाय अनिका को आसपास दिखाकर शो में इंटरेस्ट भी बनाया जा रहा है। और अब बात करें अगर आने वाले शो की, तो आप देखने वाले हैं कि कैसे अब शो के अंदर बेहद मजेदार तरीके से शो की कहानी में लगने जा रहे हैं नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स। जब शो के अंदर होगी अद्वय सिंह रायजादा की एंट्री, आपको बता दें कि सीरियल की कहानी के अंदर वरुण सोपती यानी कि अद्वय सिंह रायजादा की एंट्री आप लोग विटनेस करने जा रहे हैं। लेकिन अब कहानी का एक और ट्विस्ट ये होने वाला है कि ये अद्वय आ रहा होगा शिविका को मिलाने के लिए। जी हाँ, बता दें आपको कि शो की कहानी के अंदर अब बेहद मजेदार तरीके से शो के अंदर ये ट्विस्ट आने वाला है। और साथ ही ये अद्वय बिछड़ी हुई अनिका को शिवाय सिंह ओबेरॉय के पास वापस लाने वाला है और थमाने वाला है अनिका का हाथ शिवाय सिंह ओबेरॉय के हाथों में। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई शिवाय इस तरह अपना लेगा अनिका को और यहीं पर खत्म हो जाएगा ये रागिनी समर वाला ट्रायल, या फिर किसी और वजह से अब यही अद्वय लेकर आने वाला है अनिका को ओबेरॉय मेंशन और साथ साथ शिवाय की जिंदगी में वापस। और आखिर खुद अद्वय भला किस रोल में मारने जा रहे हैं आपके सुपरहिट शो में एंट्री, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, अपने इन दोनों शोज यानी कि इश्कबाज और इस प्यार को क्या नाम दू सीजन 3 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो इश्कबाज अपनी कहानी के अंदर बेहद मजेदार ट्रैक्स लेकर आता रहता है। जहां रोज रोज हमें शो की कहानी और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेता हुआ दिख रही है, तो अब वहीं दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि कैसे आज मिलने जा रहे हैं आपके मोस्ट फेवरेट इश्कबाज यानी कि शिविका यानी कि शिवाय अनिका। और अब फाइनली इश्कबाज के अंदर मिलने जा रहे हैं जब ये दोनों, तो क्या क्या तड़का लगने वाला है ये भी बता देते हैं आपको। लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको पिछले एपिसोड के अंदर, जहां आपने देखा होगा कि कैसे शुरुआत में पिंकी ले रही होती है बुआ माँ और गौरी से पंगा, जहां बुआ माँ सुना देती है पिंकी को खरी खोटी और शिवाय खुद कुछ नहीं कहता है पिंकी की साइड लेने के लिए। और पिंकी को ये बात चुभ जाती है और शिवाय से जाकर वो पूछती है और शिवाय भी उल्टा पिंकी को ही सुना देता है खरी खोटी। और इसके बाद कैसे शिवाय सिंह ओबेरॉय तड़ी मारते हुए चलाता है अपनी कार और पहुंच जाता है सीधा वहीं जहां होती है अनिका, ये भी देखा होगा आपने। तो अब बात करें आज वाले एपिसोड की, तो आप देखने वाले हैं कि कैसे आज फाइनली आपके शिवाय और अनिका मिलने वाले हैं, वो भी दरगाह के सामने। जब आएगी उड़ती हुई चुन्नी अनिका की शिवाय के ऊपर और शिवाय जैसे ही हटाएगा उसे, सामने खड़ी होगी उसकी अनिका। जिसके बाद शो के अंदर अब कैसे कैसे नए मोड़ आते चले जाएंगे ये देखेंगे आप। और साथ ही देखेंगे इन दोनों का टशन आज एक साथ, जब ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। जी हाँ, बता रहे हैं आपको कि अब खबरों के माने तो आज के एपिसोड में शिवाय और अनिका दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे और उसके बाद इग्नोर करके चले जाएंगे। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि इग्नोरेंस सिर्फ शिवाय करेगा और अनिका वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। जिसके बाद अब कैसे अनिका टूट जाती है शिवाय के इस बिहेवियर को देखकर, ये देखने वाले हैं आप। तो मिस मत कीजिएगा आज का ये स्पेशल एपिसोड और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। सीरियल इश्कबाज में इश्कबाजी के फैन व्यूअर्स के लिए आने वाले टाइम में थोड़ी सी मुश्किलें तो थोड़ी सी खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कल के एपिसोड से रिलेट कर शिवाय को हो जाएगी एक छोटी सी गलतफहमी, लेकिन वो गलतफहमी शिवाय अनिका दोनों पर भारी पड़ सकती है। अजी अनिका को सगाई के जोड़े में देखकर और उसे सगाई वाली औरतों के साथ घिरा देखकर शिवाय को हो जाएगी ये गलतफहमी कि अनिका की हो रही है सगाई। अब शिवाय को कौन बताए कि अनिका तो अपनी फ्रेंड की जगह वहां खड़ी हुई है, दरअसल सगाई उसकी नहीं बल्कि उसकी दोस्त की होने वाली है। आप देखेंगे इस गलतफहमी का शिकार शिवाय बहुत परेशान हो जाएगा और जिस तरह अनिका शिवाय की फोटो न्यूज़पेपर में देखकर ये सोच रही है कि अब शिवाय उसे भूल चुका है, ठीक वैसे ही शिवाय भी टेंस्ड होगा और सोचेगा कि शायद अब अनिका जिंदगी में बहुत आगे निकल गई और उसे हमेशा के लिए भूल चुकी है। अब इन इश्कबाजों को कौन बताए कि इनकी इश्कबाजी तो सिर्फ तब पूरी होगी जब ये दोनों एक साथ आएंगे। खैर, इश्कबाजी के इस स्टेशन में और क्या क्या होगा ये देखने के लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू बिकॉज वी आर वर्किंग ओनली एंड ओनली फॉर यू गाइज। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं आपके फेवरेट शो इश्कबाज के स्पिन ऑफ शो दिल बोले ओबेरॉय के अपकमिंग सीक्वेंस की। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ था रिसेंट ट्रैक के अंदर और क्या कुछ ड्रामेबाजी हुई थी पिछले एपिसोड के अंदर, कि कैसे गौरी का राज खुलते खुलते बच जाता है।
और इस बात का सारा क्रेडिट जाता है भव्या को, क्योंकि भव्या सुन लेती है गौरी को ये सब बोलते हुए और साथ ही भव्या ठान लेती है गौरी की मदद करने की। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कैसे भव्या का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें भव्या को इसकी छोटी बहन भव्या दीदी करके बोल रही होती है और भव्या इसी बात पर रो पड़ती है। साथ ही एक अनजान शख्स की एंट्री भी हो चुकी है दिल बोले ओबरॉय में, जिसका नाम है सुल्तान, जो कि जाहिर है कि अब ओबरॉय इसके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन साबित होने वाला है। और इसके साथ ही हमने देखे गौरी और ओमकारा के छोटे छोटे प्यार भरे पल, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे ओमकारा गौरी को जानबूझकर और साथ ही डांट डपट कर उसकी केयर करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने सामने दिखाता नहीं है और खड़ूस बनकर रहता है। इसके साथ ही अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आज वाले एपिसोड में। अब आज के एपिसोड में आप सुल्तान वाला ट्रैक आगे कंटिन्यूएशन में देखने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज के एपिसोड में बुआ माँ देने वाली है गौरी को एक खास गिफ्ट। उस खास गिफ्ट के अंदर होगी रतन की फोटो, जिसकी वजह है कि बुआ माँ चाहती है कि गौरी का जो बच्चा हो उसकी शक्ल रत्न जैसी हो, ताकि बुआ माँ को उसमें अपना रत्न देखे और उसके बाद हो बुआ माँ का वो प्लान सक्सेसफुल, जिस प्लान के लिए बुआ माँ ने इतने सालों तक इंतजार किया है। और इसके साथ साथ ऐसे कहानी आज फिर से घूमेगी भव्या के आसपास और भव्या के अतीत में, ये भी देखना हो जाएगा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। तो अब बने रहिए हमारे साथ और सारे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जहां आपको मिलेगी इश्कबाज और उसके स्पिन ऑफ शो दिल बोले ओबरॉय से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। लीजिए तो हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके पसंदीदा सीरियल दिल बोले ओबरॉय की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आने वाले ट्रैक में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे भव्या गौरी का राज खुलने से उसे सबके सामने बचा लेती है, और वहाँ गौरी को ख्याल आता है कि बुआ माँ उसके बच्चे से बदला लेने के लिए नई नई साजिशें बुन रही है, और दूसरी तरफ भव्या को पता चलता है कि सुल्तान इंडिया आ गया है। इधर ओमकारा गौरी को दूध पीने को देता है और गौरी से गलती से दूध का गिलास हाथ से गिर जाता है और ओमकारा को लग जाती है चोट। हाथ से खून आता देख गौरी घबरा जाती है और ओमकारा उसे बोलता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, और वो ये सब उसके लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए कर रहा है। और ये सुनकर गौरी सोचती है कि झूठ बोलते वक्त उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस झूठ का अंजाम क्या हो सकता है और सच जानने के बाद ओमकारा पर क्या बीतेगी। चलिए तो आपको ये भी बता दें कि आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि बुआ माँ गौरी को एक गिफ्ट देती है और गौरी जब गिफ्ट खोलती है तो उसमें रतन की फोटो निकलती है। और आने वाले ट्रैक में आपको दिखाया जाएगा कि अब कैसे भव्या सुल्तान से अपना बदला लेगी या सुल्तान हो पाएगा भव्या को मारने में कामयाब। कल गौरी के लिए तो हम यही बोलेंगे कि अब आपके झूठ का जो भी अंजाम हो वो अच्छा ही हो। अभी के लिए स्टोरी में बस इतना ही। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स एंड टेली अपडेट्स वी सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको सीधा इश्कबाज की उस कहानी की तरफ, जहां पे एक बार फिर से पिंकी चलने वाली है एक और खतरनाक चाल, और इस बार वो चाल फिर से होने वाली है शिवाय की भलाई के लिए ही, लेकिन इसके बावजूद शिवाय की भलाई उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही होगी। आपको बता दें कि इश्कबाजी के सफर में पिंकी हाल फिलहाल में रंग बदल चुकी है और चुलबुली से रहने वाली है पिंकी अब जहर उगलने लगी है, और जैसा कि पिछले एपिसोड में भी किया था पिंकी ने गौरी और बुआ माँ को सुनाकर, लेकिन इसके बावजूद शिवाय एंड में दे देता है गौरी और बुआ माँ का साथ और साथ ही कह देता है कि ओमकारा के बच्चे को शिवाय कुछ भी होने नहीं देगा। तो अब आप ये देखने वाले हैं कि कैसे पिंकी अब ओमकारा और शिवाय के बीच में एक बार फिर से दरार डालने की कोशिश करने वाली है। जी हाँ, ये शॉकिंग न्यूज जस्ट हुई है रिवील, और साथ ही बता देते हैं आपको कि इश्कबाजी के सफर में एक बार फिर से पिंकी शिवाय से ओमकारा को दूर करने की सोच रही है, क्योंकि जिस तरह पिंकी की सोच के अनुसार अनिका ने कर दिया था पिंकी से उसका शिवाय दूर, उसी तरह से अब ओमकारा का ये बच्चा और खुद ओमकारा शिवाय को पिंकी से दूर ले गया है। और अब आप देखने वाले हैं पिंकी का अब तक का सबसे बड़ा खेल, जो पिंकी करेगी कुछ ऐसा जिससे आप सभी रह जाएंगे शॉक, और आप देखेंगे कि कैसे पिंकी के प्लान के अकॉर्डिंग फूट पड़ने वाली है शिवाय और ओमकारा के बीच में। लेकिन अब इसके साथ ही ये भी होने वाला है देखना बेहद दिलचस्प कि आखिर कैसे इस बार भी अपने प्लान को अंजाम देने में हो पाती है पिंकी कामयाब। तो बने रहिए हमारे साथ इस ट्रैक से जुड़ी और भी किसी लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। जी हाँ, बता दें आपको कि अब ये अद्वय सिंह रायजादा बेशक एक ही दिन के लिए आ रहे हैं ओबरॉय मेंशन में, लेकिन भाई अपनी इस एक दिन की एंट्री को ये अद्वय सिंह रायजादा बनाने जा रहे हैं यादगार। आपको बता दें कि अब इश्कबाज के अंदर वरुण सोपती यानी कि अपकमिंग शो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3 के अद्वय लौट रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रमोशन के लिए अद्वय यानी कि वरुण सोपती आ पहुंचे हैं सीधा इश्कबाज के सेट्स पर, जो शो है गुलखान का ही। आपको ये भी बता दें कि शो के अंदर अब कैसे कैसे नए नए ट्रैक्स इसके बाद चालू होने जा रहे हैं। खबर दे रहे हैं आपको कि अब अद्वय करवाने वाले हैं अनिका की एंट्री एक बार फिर से ओबरॉय मेंशन में। जी हाँ, हो चाहिए शौक लेकिन ये बात सच है, और ये आने वाले ट्रैक में आप लोग देख ही सकते हैं।
बता दें आपको कि अब शिवाय सिंह ओबेरॉय के दोस्त के रोल में नजर आने वाले वरुण ही लेकर आएंगे अनिका को घर वापस, और इस तरह अनिका को घर में वापस लेकर पिंकी की हो जाएगी ओमाई माता। आपको ये भी बता दें कि इस तरह जब पिंकी देखेगी अनिका का ये बदला हुआ रूप और साथ ही अनिका को एक बार फिर से ओबेरॉय मेंशन में, तो पहले तो यकीन ही नहीं होगा पिंकी को अपनी आंखों पर, लेकिन इसके बाद कहानी लेगी बड़ा टर्न और वाकई अनिका खड़ी होगी पिंकी के सामने, जिसके बाद अनिका के तेवर और पिंकी के तेवरों में क्या बदलाव आते हैं ये देखना हो जाएगा बेहद दिलचस्प। तो बने रहिए हमारे साथ इस ट्रैक से जुड़ी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।